मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि बटन हमारे कौन कौन से हैं ये। अब इसमें आपने एक चीज़ देखी, अभी चलता हुआ भी देख लिया, इसमें देखो ये जो है ये तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे क्या क्या है। yes. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग है इसमें जो एक सेकंड फर्स्ट ये होता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है मशीन पोजीशन। जैसे हम पोजीशन बटन दबाएंगे तो ये मशीन की पोजीशन शो करेगा कि हमारी मशीन कहाँ खड़ी है। सो आपने लास्ट में एक पॉइंट दिया था G01 X100 और Z100, तो मशीन वहीं खड़ी हो गई X100 पे और जाकर Z100 पे हो गई होगी। yes. समझ में आया अब ये कि हमारी मशीन ये 100 mm पे लगे खड़ी होगी। ठीक है, अगर हम इसको होम पोजीशन पे भेज देते, ये होम पोजीशन है हमारा, ये एक्स भी हमने जीरो कर दिया, जेड भी, तो ये मशीन अपने आप ही अपनी होम पोजीशन पे चली जाती। ये देखो जा रही है, ये देखो ये मशीन की होम पोजीशन है एक तरीके से, जो वहाँ पे जा रही है जहाँ पे खड़ी होगी मशीन। इसके बाद हम एक अच्छा जेड रह गया था, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होती है हमारे पास पोजीशन। अब इसमें पोजीशन जैसे ही बटन दबाएंगे आप तो यहाँ पे एक एब्सोल्यूट पोजीशन दे रहा है, मैंने बताया था, एक रिलेटिव पोजीशन होती है, ये हमारी रिलेटिव है। रिलेटिव अभी 0-0 है, रिलेटिव का मतलब होता है जहाँ पे मशीन खड़ी थी, ये वो पोजीशन है जो हमने जहाँ मशीन को जीरो कराया उससे दूरी, मशीन को जीरो कहाँ रखा है हमने यहाँ पे, और उससे दूर है मशीन, तो ये शो कर रहा है, पर लेकिन एक्चुअल में खड़ी कहाँ है वो 0-0। सही है। नेक्स्ट होती है ऑल पोजीशन, ये सारी पोजीशन शो कर देगा, वो ऑब्जेक्टिव भी, ये भी, वो भी, ये सब। अगर हम जब जॉब चलाते हैं, किसी जॉब को हम चलाएंगे, तो ये सारी देखो पोजीशन है, सब मूव करती है मशीन पोजीशन, सब पोजीशन अपने दिखा देते हैं। दूसरी चीज़ ये वो डिस्टेंस टू गो है कि हमारी मशीन एक्स में इतना जाने वाली है और जेड में इतना जाने वाली है, क्या मतलब इतना जा चुकी है और इतना और जाने वाली है। ठीक है, यहाँ से हम सारी पोजीशन चेक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है ऑपरेटर की तो जरूरत नहीं है, तो मशीन में ही आएगा ये। यहाँ पे होता है नेक्स्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम बटन में क्या है, हम प्रोग्राम को शो कर सकते हैं कि प्रोग्राम क्या है हमारा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेज करना है, एडिट करना है, किसी तरह का कुछ भी करना है, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें, एडिट मोड। यहाँ पे अपना भी चेंजेज होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम इस पर जाएंगे, अपने यहाँ पे चेंजेज, अब अगर हम इसमें कोई चेंजेज करना चाहें तो चेंजेज नहीं होगा, नहीं हो रहा ना, ऊपर ना हो रहा, नीचे हो रहा। ठीक है ना, अगर एडिट मोड में आ जाएंगे हम, तब ये चेंजेज भी कर सकते हैं और कुछ भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ऑफसेट सेटिंग। ऑफसेट में क्या होता है, वो मशीन जो हमने पोजीशन डालते हैं 54 वाली, वो हम यहाँ डालेंगे। इसके अंदर हमारे पास G54 से लेके G55 G56 G57 G58 G59 तब हम कोई भी एक ले सकते हैं। जहाँ हमने G54 लिखा है वहाँ पे हम G56 भी डाल सकते हैं, G55 भी डाल सकते हैं, 8 भी डाल सकते हैं और 9 भी डाल सकते हैं, पर लेकिन आपको पोजीशन वहीं डालनी पड़ेगी जहाँ वो ले रहे हैं। केवल कहने का मतलब है, अगर आपने प्रोग्राम में G55 लिखा तो जो हमने X0 ये करा था यहाँ पे, तो कहाँ करना पड़ेगा हमें, वो G55। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 6 टूलों का अलग अलग डाल सकते हैं। कोई किसी जॉब में हम 6 टूल यूज कर रहे हैं तो 6 टूलों का अलग अलग कहाँ डाल सकते हैं हम, जॉब में। ठीक है ना, क्योंकि 6 के 6 टूल छोटे बड़े होंगे, इक्वल तो कोई भी नहीं होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे डाल सकते हैं। एक ही जॉब में अगर हम 6 टूल यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ डाल सकते हैं, बस उस टूल से पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा उस टूल का जो सेटिंग है वो कहाँ डली हुई है, G55 में या G56 में। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे शिफ्ट। शिफ्ट तो आपको पता ही है, शिफ्ट तो मैंने बताया था, जैसे हमें ऊपर का, जैसे अभी हमारा मेन है एन है, सॉरी शिफ्ट दब गया था, हमारे जैसे मेन एन है, अब हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए, तो उससे शिफ्ट दबाना पड़ेगा तो क्यू आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कैंसिल, जानते हो आप, गलत दब गया तब कैंसिल करते हो। इनपुट एक्सेप्ट टू एडिट मोड, एडिट मोड के अलावा कहीं भी कुछ करना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे यहाँ पे 2 लिखना है, अब मैं यहाँ पे टू लिया और मैंने इंसर्ट कर दिया, तो हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो मैं क्या कर दूँ, इनपुट आ गया। एडिट मोड के अलावा किसी भी मोड में हमें कोई चेंजेज करना है तो किससे करेंगे हम, इनपुट से। समझ गए, जैसे हमें अभी इसको जीरो करना है, जीरो लिया और मैं इंसर्ट दबाता रहूँ या एल्टर दबाता रहूँ, हो रहा है, नहीं हो रहा, जैसे मैं इनपुट करूँगा जीरो, आगे समझ में।
ठीक है। नेक्स्ट है मेरा सिस्टम, ये सिस्टम डायग्नोसिस होता है, इसको हम चेंज नहीं करते, जैसे हम सॉफ्टवेयर होता है हमारे उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं करते, ये नो चेंजेबल, ठीक है। मैसेज, जब भी कोई मैसेज आएगा, अलार्म का आओ या कुछ भी आओ, जैसे हमने फॉर एग्जांपल इमरजेंसी दबा दिया तो देखो आ गया, आगे नहीं आ गया, क्या आ रहा है, इमरजेंसी पुश बटन और ये एक्सेस लिमिट स्विच ऑफ, तो हम इसको हटा देंगे तो अलार्म चला गया, हमने ये दबा दिया तो अलार्म आ गया, ठीक है ना। जैसे हमारा ये प्रोग्राम है, अब बाई चांस हम इसमें कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, या मशीन चलाना चाह रहे हैं तो चलेगी नहीं, आ तो नहीं रहा एडिट मोड पे, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मशीन नहीं चलेगी, तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें ये देखना, नहीं नहीं हमें ये देखना पड़ेगा भाई ये इमरजेंसी आ रहा है, अलमाला आराम क्या आ रहा है, मतलब क्यों नहीं चल रही मशीन, तो यहाँ पे जैसे दबाओगे तो ये कहेगा कि भाई साहब इमरजेंसी बटन उस ऑन करो, तो इमरजेंसी बटन उस ऑन करिए अलार्म चला जाएगा, एडिट मोड पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बटन है हमारा क्या है, कस्टम ग्राफ, ये भी हम यूज नहीं करते क्योंकि हम सिमुलेशन ऑलरेडी देख रहे हैं, तो ऐसे ही ये ग्राफ शो करता है मशीन के अंदर। एल्टर, एल्टर आपको पता ही है, रिप्लेस करने के लिए, जैसे हम फॉर एग्जांपल हाँ, जैसे हमें यहाँ पे एन 20 आ रहा है, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, माना हमें एन 10 लिखना है, तो यहाँ पे एल्टर कर दो तो एन 10 आ गया। इंसर्ट से क्या होता, अगर हमें यहाँ पे एन 15 करना है तो अगर हम इंसर्ट करेंगे तो एन 10 भी रहेगा और एन 15 भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट, डिलीट से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, अब डिलीट से क्या होगा, ये डिलीट नहीं होगा, वो जहाँ पे वाइट कर्सर आ जाएगा हमारा वो डिलीट हो जाएगा। कैंसिल से केवल ये कैंसिल होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है हमारा पेज अप एंड पेज डाउन, जैसे हमारे पेज नीचे जाना है, पेज अप कर दो नीचे आ जाएगा, पेज डाउन कर दो तो ऊपर आ जाएगा। ये क्या है, एक एक लाइन नीचे, अब बस ये इधर आना है हमें, ये इधर का, ये तो यार समझ गए होगा, ठीक है। हेल्प, हेल्प है ये, हेल्प इसमें चलनी चलेगी नहीं, ठीक है ना, हेल्प इसमें है होती नहीं, ठीक। रीसेट आप जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। फिलहाल इसके अंदर मैं आपको अभी दो तीन बटन मैं आपको बताता हूँ जो अभी आपको जरूरत होंगे। सबसे मेन चीज़ है, पहला है ऑटो मोड, जिसमें हम प्रोग्राम चलाते हैं, जब भी हमारा कोई प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो जाए और हमें उसे केवल क्या करना है, रन करना है, तो किस पर आएंगे, ऑटो मोड पर। एडिट मोड मैंने आपको बताया ही, कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए, कोई नया प्रोग्राम बनाने के लिए क्या होगा हमारा, एडिट मोड। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई नया नंबर डालना है, ओ 1111111, ठीक है ना, क्या करेंगे, इंसर्ट आ गया, ठीक है, बस ये प्रोग्राम शुरू है, ठीक है, नया प्रोग्राम डाल दो, अभी ये छोड़ दो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं आपको। नेक्स्ट है ये रेफरेंस पोजीशन, जैसे हमने ये पोजीशन है टूल यहाँ पे खड़ा है हमारा, हमें इस टूल को अपने होम पोजीशन पे ले जाना है, फिर एक्स दबाया और जेड प्रेस कर दे, ठीक है। फिलहाल आपके पास ये तीन बटन हैं जिनसे आपका काम अभी चलेगा, तो फिर आगे नहीं तो सदा चलेगा, ये फीड स्पीड को अभी बताएंगे, ठीक।